अब नए यूएई पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले भारतीय प्रवासियों को नए डिज़ाइन और ज़्यादा सुरक्षित पासपोर्ट दिए जा रहे हैं। दुबई में भारतीय दूतावास ने भी इस बात की पुष्टि की है कि रेगुलर पासपोर्ट को नए डिज़ाइन के साथ दिया जा रहा है। हालांकि अभी जंबो पासपोर्ट को पुराने फॉर्मेट के साथ ही दिया जा रहा है। रिपब्लिक ऑफ इंडिया को अब पासपोर्ट के ऊपर वाले हिस्से पर बड़े अक्षरों में प्रिंट किया गया है, पासपोर्ट को नीचे लिखा गया है। पासपोर्ट में कुल 36 पेज हैं। सुरक्षा तकनीक में किए गए बदलाव की बात करें तो धांधली से बचने के लिए आवेदनकर्ता के घोस्ट इमेज के अलावा और भी कई चिन्ह जोड़े गए हैं। पासपोर्ट के सभी पेज के किनारों पर IND अंकित किया गया है। पासपोर्ट इशू होने में उतना ही वक्त लगेगा जितना पहले लगता था। पासपोर्ट के डिज़ाइन में बदलाव के कारण इशू करने के समय में वृद्धि नहीं होगी। हालांकि अगर प्री पुलिस वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है तो कुछ अधिक समय लग सकता है। इमरजेंसी केस में पोस्ट पुलिस वेरिफिकेशन की मदद ली जा सकती है। यूके की गवर्नमेंट द्वारा भारतीय पैसेंजर्स के लिए क्वारंटीन नियमों में छूट नहीं दिए जाने के बाद इंडियन गवर्नमेंट के सख्त रवैये को देखते हुए यूके की गवर्नमेंट एक बार फिर से भारतीय गवर्नमेंट से हवाई यात्रा से जुड़े नियमों को लेकर बातचीत कर रही है। अब उम्मीद है कि जल्द ही हवाई यात्रियों के पक्ष में निर्णय लिया जाएगा, जिससे दोनों देशों के बीच यात्रा करने वाले पैसेंजर्स को सहूलियत मिल सकेगी। भारत की कोवैक्सीन से वैक्सीनेटेड पैसेंजर यदि जर्मनी के लिए ट्रेवल करके जाते हैं तो उनको वहाँ पर अभी भी क्वारंटीन में रहना पड़ेगा, क्योंकि जर्मनी की गवर्नमेंट ने अभी भी भारत की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को अप्रूवल नहीं दिया है। गौरतलब है कि कोवैक्सीन को अभी WHO से भी अप्रूवल नहीं मिला है और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि अक्टूबर महीने में भारत की कोवैक्सीन को WHO द्वारा अप्रूवल दे दिया जाएगा। ओमान में साइक्लोन के खतरे को देखते हुए वहाँ पर सभी एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है, साथ ही आसपास के देशों के एयरपोर्ट को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। UAE के सभी एयरपोर्ट पर इस समय नॉर्मल बेसिस पर फ्लाइट ऑपरेट की जा रही हैं, लेकिन इन सभी एयरपोर्ट्स को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने ट्विटर के माध्यम से बताया है कि भारत से अबू धाबी के लिए उड़ानों की सुविधा अब उपलब्ध है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने बताया कि अबू धाबी और भारत के बीच कन्नौर, दिल्ली, मैंगलोर आदि के लिए फ्लाइट्स की फैसिलिटी अब उपलब्ध है। विंटर महीनों के लिए बुकिंग शुरू हो चुकी है। यात्रा के दौरान पैसेंजर कोरोना वायरस से बचने के लिए नियमों का पालन जरूर करें। ऑस्ट्रेलिया की क्वांटस एयरलाइन 14 नवंबर से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को शुरू करने वाली है। शुरुआती चरणों में क्वांटस एयरलाइन UK और USA जैसे देशों से अपनी फ्लाइट को ऑपरेट करेगी। भारत के साथ क्वांटस एयरलाइन की कोई भी फ्लाइट अभी शेड्यूल नहीं की गई है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही भारत से भी क्वांटस एयरलाइन अपनी फ्लाइट ऑपरेशन को शुरू करेगी। तो UAE की खास खबरों को हिंदी में जानने के लिए हमारे चैनल UAE हिंदी न्यूज को अभी सब्सक्राइब कीजिए।